एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और फ्रेंड्स, यहाँ पर हो रही है लिट्टी बनाने की तैयारी, तो हम लोग यहाँ पर लिट्टी की तैयारी करें फटाफट से, क्योंकि अचानक से प्रोग्राम बना कि लिट्टी खाना है और वो भी गोईठे वाली, क्योंकि घर से जेठ लोग आए हुए थे और सब लोगों का एक बार मन हो गया कि लिट्टी खाया जाए, तो हम लोग बना रहे हैं। और देखिए हम लोग कहाँ बना रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये बगल वाला प्लॉट है जिस पर बाउंड्री वगैरह हो रहा था, तो मैंने आपको दिखाया था पहले एक वीडियो में, बस वही ज़मीन है और वहाँ पर एक जगह सीमेंटेड किया हुआ था, तो फिर हम लोग वहीं पर तो बनाने का डिसाइड हुआ कि यहीं पर गोईठा लगाया जाए। तो गोईठे के लगाने का भी तरीका होता है जो हम लोग बहुत अच्छे से नहीं आता है। भैया आए थे, जेठ आए थे घर से, तो उनको बहुत अच्छे से आता है, तो उन्होंने लगाया था। तो होता है कि बीच में गोईठा एक पे आग पड़ा कर रख दिया जाता है और फिर चारों तरफ से गोईठे को सजा दिया जाता है ताकि वो अच्छे से हर एक गोईठा में आग पकड़ सके। और जब पूरे अच्छे से आग सारे गोईठे में पकड़ ले और आग छुलक जाए, तो फिर हम लोग उसको किसी भी चौड़े चीज से उसको ठोक ठोक कर पीट कर थोड़ा सा फैला लेते हैं। अक्सर लोग मतलब लकड़ी से, चौड़े लकड़ी से करते हैं ताकि वो गर्म नहीं होती है और अच्छे से हो जाते हैं। देखिए हमने फैला लिया है और हम लोग एक एक करके सारे लिट्टी को इस पर डाल देंगे। और डालने के साथ ही फटाफट से पलटना पड़ता है क्योंकि आग बहुत तेज होता है, और ये आग कुछ ज़्यादा ही था, थोड़ा सा कम रहना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। लेकिन फिर भी, और मैं इतना फटाफट से हो रहा था तो मैं चिमटा देना भूल गई थी, तो सबका हाथ जल रहा था पलटने में। फिर बाद में मैंने भिजवाया तो यहाँ पर लग रहा है लिट्टी, और सबको फटाफट से पलटना होता, नहीं तो फिर एक तरफ से वो जल जाएगा। लिट्टी है ये, बिहारी लिट्टी है, बिहार का बाबू खाएगा लिट्टी। कौन कौन घूमर करता है सब इधर जा। ये गांव का आनंद है, ये पिकनिक मनाया जा रहा है। अब देख सकते हैं शहर में गांव का मजा ऐसे किया गया है। मार्जा नहीं करा, एक जगह रख होगा काम खत्म कर। और ये पूरा रात्रि के 9 बजे अचानक ये प्रोग्राम बना। ये हमारे गांव से भाई लोग आए हुए हैं, सबका हुआ कि आज यहाँ भी गांव वाला वातावरण तैयार किया जाए। और यहाँ पर ये बार बार पलटते रहना पड़ता है ताकि दोनों तरफ से बराबर से पक जाए, नहीं तो फिर एक तरफ से पक जाएगा, जल जाएगा, और दूसरी तरफ से थोड़ा कच्चा रह जाएगा, इसलिए तो बार बार पलटना पड़ता है। थोड़ा मेहनत है इसमें, लेकिन इसका जो स्वाद है ना वो बेहतरीन होता है। इसके जैसा साथ कोई स्वाद कोई भी किसी भी लिट्टी में नहीं आता। हम लोग लिट्टी तो कई तरह से बनाते हैं, जैसे हम लोग छान कर बनाते हैं तेल में, और स्टीम करके बनाते हैं, ओवन में बनाते हैं, बहुत तरह के से लिट्टी बनाई जाती है। लेकिन इस लिट्टी का स्वाद जो है ना वो बहुत ही अलग आता है, इससे अच्छा स्वाद मुझे नहीं लगता है कि किसी लिट्टी में आता होगा। बाकी तो अपना अपना सबका पसंद है, लेकिन इस लिट्टी का स्वाद बेहतरीन होता है। थोड़ा मेहनत होता है फिर भी हम लोग बनाकर, जब भी मौका मिलता है कि लिट्टी गोईठा के मिल जाए तो हम लोग खाना पसंद करते हैं। और मैं ही नहीं, मुझे ही नहीं, मेरे सारे मतलब पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उन लोगों को भी गोईठे का लिट्टी बहुत पसंद है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा मेहनत भी कर लेते हैं लेकिन बनाते मीठे वाले ही हैं। ये भेपर के लाइट में बन रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ से रात्रि के इस रात में ये जो आनंद है। ये भेपर जला हुआ है, दो दो भेपर हम लोग जलाए हुए हैं, दो दो क्या तीन तीन कह सकते हैं, एक इधर से
तीन साइड से वेपर जला करके लिट्टी का पिकनिक का ये मज़ा लिया जा रहा है। और लिट्टी जो है अपने स्थिति में अपने फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है। लिट्टी जो है फाइनल स्टेज में पहुंचने वाली है। दिखाई दे रहा है उसको। ये हमारे घर की बहुत नटखट लड़की है और ये लिट्टी खाने के लिए भी तक जगी हुई है। आप सोच सकते हैं डेली 8 बजे सो जाती है लेकिन आज 8 बजे सोने वाली है लेकिन लिट्टी क्यों लेकर के कि भाई लिट्टी आज वही बगान में लग रहा है। नहीं नहीं, एक बार पक जाए, थोड़ा थोड़ा भी कच्चा है, ये सब घुमा देना है, ये सब इधर कच्चा है। जिन लोगों को लिट्टी लगाने अगर नहीं आता हो और शौक रखते हो कि पका हुआ लिट्टी खाने के लिए, वो इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं कैसे लिट्टी लगाई जा सकती है। इस घर की एक और मेंबर है जो वहाँ गेट जो का जुगारी कर रही है, देखिए इसका नाम जेनी है ना, वो भी लिट्टी खाने के लिए जगी हुई है अभी तक सबके साथ साथ। अब जो है हम लोग इसको दोबारा जो कुछ कमी बेसी रहता है हाँ, तो वो इसको दोबारा ढक जरूर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा अगर कहीं कुछ जगह अगर नहीं पका हुआ है तो वो पक जाएगा। देखिए ये लाइट हमने बंद किया है, इससे पता चले कि आग एक्चुअली आग काफ़ी ज़्यादा हो गया है। इतना आग नहीं रहना चाहिए नहीं तो लिट्टी जल जाएगा, खतरा होता है, इसीलिए हम इसको चेक कर लिए। और लिट्टी यहाँ पर बनकर तैयार हो गए हैं। और इस तरह से हम लोग कोई भी साफ कपड़े में कॉटन का कपड़ा होना चाहिए और उसमें रखकर फिर इस तरह से हम लोग झाड़ लेते हैं ताकि देखिए डस्ट निकल रहा नीचे से और पूरा डस्ट जो मतलब कितना भी है तो वो तो राख है तो राख पूरा लिट्टी में लगा होता है तो इस तरह से रगड़ कर जब साफ होता है ना तो पूरे अच्छे से साफ हो जाता है। और देखिए लिट्टी कितना साफ हो गया, वे सारे में लगा हुआ था राख और अब सारा राख झड़ गया और ये साफ हो गया। देखिए कितना ये डस्ट बेस में रह गया। तो इसी तरह से सारे लिट्टी को हम लोग कपड़े में डालकर साफ कर लेते हैं तो जितना भी आग वाला राख रहता है वो हट जाता है। सारा लिट्टी एकदम साफ हो गया। और यहां पर बना रहे हैं हम लोग आलू बैंगन और टमाटर का चोखा। ये आलू बैंगन और टमाटर का चोखा, ये आलू बैंगन टमाटर का, और इसमें हम लोग वेट कर रहे हैं धनिया पत्ता, बगान से धनिया पत्ता है काट कर, धनिया पत्ता से स्वाद बहुत बढ़ जाता है।
और सारी लिट्टी में इस तरह से घी लगा देने से लिट्टी पूरा चिकना हो जाता है। और उसके बाद हम लोग, अगर आपको मन हो तो घी में डिप करके खाइए, और आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है, हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, तो आप इस तरह से भी खा सकते हैं, अगर घी लपेट करके भी। लेकिन घी में डुबोकर लिट्टी खाना, उसके साथ चोखा हो, चटनी हो, तो लिट्टी का स्वाद दुगना हो जाता है, बहुत मज़ा आता है। अगर आपको बनाने का मन हो तो आप इस तरह से देख करके बना सकते हैं। बाकी सत्तू तो आपके अनुसार है, आप कितना कैसा बनाते हैं खाते हैं। गर्मी में हम लोग मीठा का बनाए, देखिए उसमें स्वादिष्ट था, बोले सबसे लिट्टी जो इतना स्वादिष्ट इसलिए बनाया क्योंकि हमारे जो उमाकांत चाचा हैं, उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से पकाया है। इस क्षेत्र के स्वादिष्ट, और उन्होंने अनगिनत बार ऐसे ऐसे लिट्टियाँ पकाई हैं, इसलिए वो बहुत बड़े स्पेशलिस्ट हैं। और आज हम लोग सीखे हैं उनसे बहुत कुछ। साहेबन झारखंड से बुलाया गया है, रांची झारखंड में लिट्टी बनाने के। हम लोग खा रहे हैं ना। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है लिट्टी बाबू। जाड़ा में खाने का चीज बहुत था, जाड़ा में माइक तो अच्छा नहीं लग रहा है। जाड़ा में भी खाना चाहिए। ये सब लिट्टी जो है ना पूरा एकदम मुलायम रहता है। ये हमारे मिल का पिसा हुआ चना का सत्तू है, अपने घर के मिल का, और अपने घर में भुजा गया चना, और उसको से भरा गया सत्तू चाहिए। साहेब में झारखंड बिहारी गांव से डिमांड कर ना, मीठा लगा था का चोखा, मीठा लगा था। जब मन खाने का मन हो तो बना, ठीक है चोखा ठीक, मीठा नहीं मुझे याद नहीं खाने का था, नहीं सोच रहा जो भी हो खेले कि मुझे बजे से लगा। अपन घर का धनिया पत्ता अपना बगान का ये चोखा लेके आना है। हाँ दो तो क्या बोलते हैं और तीन आगे पर आलू पका रहता ना, आलू का और मजा आता है ना। छोड़ घंटा ना, बहुत घंटा छोड़ दे। दो लिट्टी लाओ।